यू ब्यूटिफुल पीपल, मेरा नाम है वंदिता वशिष्ठ एंड वेलकम बैक टू प्राइस बाबा। वी आर इन द मिडल ऑफ अ पैंडमिक एंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सेकेंड वेव की वजह से कोरोना का कहर हम इंडिया में देख ही रहे हैं एंड वेल बहुत ज़रूरी है कि हम COVID-19 से लड़े और सही इंफॉर्मेशन के साथ लड़े, क्योंकि काफ़ी सारे मिथ्स आर फ्लोटिंग अराउंड सोशल मीडिया हैंडल्स, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम और इंटरनेट पर। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि काफ़ी बार हम मिथ्स को फैक्ट समझ लेते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ 8 ऐसे COVID-19 मिथ्स को बस्ट जो COVID-19 से रिलेटेड हैं या वैक्सीनेशन प्रोसेस से रिलेटेड हैं। तो लेट्स बस्ट देम एंड लेट्स फाइट विद दिस वायरस विद द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जितने भी मिथ्स में बस्ट करूंगी और जितने भी फैक्ट्स में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी हैव बीन वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेस इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो फैक्ट चेक नाम का एक ट्विटर हैंडल है और आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पर, जहां पर वो फैक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं और मिथ्स को बस्ट करते हैं। तो उनके ट्वीट्स भी मैं साथ में अटैच करूंगी। एंड नाउ विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मिथ। नाउ द फर्स्ट मिथ इज कि हॉट वाटर स्टीम इनहेल करने से कोरोना वायरस मर जाएगा, विच इज़ अ मिथ। कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए। हॉट वाटर स्टीम इनहेलेशन हेल्प करता है आपकी रेस्पिरेटरी हाइजीन में। बेसिकली जब भी लोगों को COVID-19 पॉजिटिव वो टेस्ट करते हैं तो यूजुअली कंजेशन फील करते हैं एंड देयर इज रनी नोज एंड देयर सोर थ्रोट, एंड उस दौरान आपको हॉट वाटर स्टीम इनहेल करने से अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा और आप शायद जल्दी हील करेंगे, बट इससे कोरोना वायरस मर जाएगा ये कहीं पर भी प्रूवन नहीं है। तो इट्स अ मिथ। दूसरा मिथ ये है कि वैक्सीनेशन के बाद यू वोंट टेस्ट पॉजिटिव फॉर COVID-19। इट्स अ मिथ, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द अगर आप वैक्सीनेट हो पाए तो ज़रूर लगवाइए वैक्सीनेशन, लेकिन इसके बाद ऐसा कोई फूल प्रूफ नहीं है कि आपको COVID-19 नहीं होगा। यू कैन गेट इट, लेकिन शायद आपके सिम्टम्स जो है सिवियर नहीं होंगे, आपको माइल्ड सिम्टम्स होंगे, तो इसमें ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये आपको हो सकता है और आप दूसरों को भी ये फैला सकते हैं। तो प्लीज़ इवन इफ़ यू गेट वैक्सीनेटेड, डोंट लेट योर गार्ड डाउन एंड प्लीज़ वेयर योर मास्क, मेंटेन योर हाइजीन, बट ऑल्सो डू गेट वैक्सीनेटेड। मिथ नंबर 3 इज कि ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक मास्क पहनना विल लीड टू इंटॉक्सिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और ऑक्सीजन डिफिशेंसी हो जाएगी आपको। इट्स कम्प्लीटली फेक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस वायरस, सो डोंट फर्गेट टू वेयर योर मास्क एंड डू नॉट बिलीव सच इन्फॉर्मेशन। एक मैसेज ये भी सर्कुलेट हो रहा है कि अगर आप 10 सेकेंड तक अपनी सांस रोक पाएंगे तो यानी कि आपको कोरोना वायरस नहीं है, विच इज़ अ मिथ, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी सिम्टम लग रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ड्राई कफ या कोई भी कोरोना वायरस का सिम्टम लग रहा है, तो गेट योर RT-PCR टेस्ट डन। डू नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, बिलीव दैट टेस्ट। इनफैक्ट RT-PCR टेस्ट में भी आजकल नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही है जबकि लोग पॉजिटिव होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिचुएशन काफ़ी टेंस है, काफ़ी ग्रिम है, और स्पेशली ये सारी चीज़ अगर आप बिलीव करेंगे तो सिचुएशन और वर्स हो सकती है। तो डोंट बिलीव ऑल दीज रूमर्स, गेट योर टेस्ट डन। एक और मैं जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है वो ये है कि पीरियड से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद वैक्सीन ना लगवाएं। इट्स अ कम्प्लीट मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। तर्क ये दिया जा रहा है कि इस टाइम आपकी इम्यूनिटी कम होगी, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इफ़ यू आर एलिजिबल, इफ़ यू आर 18+, डू गेट द वैक्सीन, इट इज़ द ओनली वे टू बीट दिस वायरस। डू नॉट बिलीव दिस मिथ। एक और मिथ जो सामने आ रहा है वो ये है कि अ वायल ऑफ रेमडेसिविर इंजेक्शन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ मेडिसिन कॉल्ड कोविप्री। तो कृपया इन सब पर विश्वास ना करें, बिकॉज देयर इज नो सच मेडिसिन दैट विल क्योर इट इंस्टेड ऑफ रेमडेसिविर इंजेक्शन। सो गॉड फॉरबिड अगर आपके आसपास किसी को इस इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो कहीं भी गलत जगह से मेडिसिन ना खरीदें, किसी के झूठ पर विश्वास ना करें कि इस मेडिसिन की जगह आप दूसरी मेडिसिन ले जाए ये भी काम करेगी, ऐसा नहीं है। तो डू नॉट बिलीव दिस मिथ। नाउ द नेक्स्ट मिथ इज़ कि COVID-19 18 साल से कम के बच्चों को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। इट्स अ कम्प्लीट मिथ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पर बच्चे भी COVID-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट करते हैं, एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि शायद उनमें जो सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड आपको देखने को मिलेंगे, जनरली माइल्ड ही देखने को मिल रहे हैं, सिवियर बहुत कम केसेस में देखने को मिल रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको नहीं होगा। तो प्लीज़ कीप देम सेफ एज वेल। एक और मिथ जो सर्कुलेट हो रहा है वो ये है कि भारत बायोटेक्स को वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव फॉर चिल्ड्रेन अबव द एज ऑफ 12।
विच इज नॉट ट्रू. अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कोई भी वेरिफिकेशन नहीं आया है. वैक्सीन फिलहाल 18 से ऊपर वाले सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है, ये 12 से ऊपर वाले बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है, के लिए अप्रूव्ड नहीं है. तो प्लीज इस बात को बिलीव ना करें, और अगर आप 18 से ऊपर है तभी वैक्सीनेशन लगवाएं. सो गाइज, दीज वर सम ऑफ द मिथ्स दैट आई ट्राइड टू बस्ट. वेल, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो क्या आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, और क्या आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोज लेकर आऊँ, बिकॉज इट्स अ पैंडमिक एंड वी हैव टू फाइट दिस टुगेदर. तो काफी ज्यादा जरूरी है कि आप इंफॉर्मेशन पर ही बिलीव करें, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बिलीव करें, फैक्ट्स पर बिलीव करें, मिथ्स को ना माने. और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या फिर सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिखती है उसको बस पढ़कर बिलीव ना कर लें, उसे ज़रूर चेक करें वेरीफाइड सोर्सेज से और तभी बिलीव करें. स्टे सेफ. दिस इज वंदिता वशिष्ठ सेइंग गुड बाय.